नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। अक्यूट पेन जिसमें इंसान बिल्कुल ठीक था और एकाएक पेट में दर्द होने लगे, ये इसकी संभावना है। पेट के किस पार्ट में दर्द हो रहा है, अगर पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द हो रहा है तो इसके कॉमन कारण सिंपल एसिड से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम्स, जैसे आपको मान लीजिए घुटने में दर्द है, आपने दर्द की गोली खाई, कोई पेन किलर खाया, उसके कारण एसिड बना पेट में और उससे पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द हो गया। खाने पीने का कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण आंतों में सूजन आई, उसके कारण पेट में दर्द हो रहा है, बट इस स्थिति में आपको साथ में उल्टियां और लूज मोशन होंगे। तीसरी सबसे कॉमन कारण जो सिग्निफिकेंट बिना किसी इन चीज़ों के होती है, वो होती है गॉल ब्लैडर का स्टोन। अगर पेट के सेंटर में या राइट साइड में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है जो आधे घंटे से ज़्यादा रहता है, तो इसको हम बिलियरी कॉलिक कहते हैं। तो ये पेट में दर्द का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जनरली इसको लोग एसिडिटी से रिलेटेड होने वाले दर्द से कंफ्यूज करते हैं, बट जैसा मैंने बताया, एक प्रॉपर हिस्ट्री और अगर आप सही सही बात बताएंगे तो इसका कई बार क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत सही होता है। पैंक्रियाज से होने वाला पेन, पेट के ऊपर के हिस्से में जो बिल्कुल पीठ की तरफ जा रहा हो, सीवियर पेन, ये पैंक्रियाटाइटिस एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आंतों से होने, आंतों की रुकावट, कई सारी बीमारी होती है जिसमें आंतों में रुकावट हो जाती है और उसके साथ पेट में दर्द होता है। इस हालत में पेट में दर्द के साथ कई बार उल्टियां आती हैं बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल स्टूल पास होना यानी कि मोशन पास होना बंद हो जाता है और गैस पास होनी बंद हो जाती है। तो सीवियर अक्यूट पेन के ये प्रमुख कारण होते हैं। उसके अलावा पेट के नीचे के हिस्से में यदि दर्द हो रहा हो, बीच में किडनी में स्टोन होना, ये भी पेट में दर्द का कारण होता है। कई बार लोग पेट के डॉक्टर के पास आते हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये भी बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है। पेट के मिडल में, राइट या लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा हो, पेशाब के रास्ते में जा सकता है, पीछे पीठ की तरफ जा सकता है, और साथ में यूरिन के सिम्टम्स होंगे, यूरिन बार बार आना, यूरिन में ब्लड आना, बुखार होना। अपेंडिसाइटिस पेट के लोअर हिस्से में, पेट में अक्यूट पेन का एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है। राइट साइड में ये दर्द नाभि के पास से शुरू होता है और राइट लोअर साइड में जाकर के शिफ्ट हो जाता है। डाइवर्टिकुलाइटिस यानी कि आंतों में, जनरली एल्डरली लोगों में कुछ आउट पाउचिंग से बन जाती हैं और इस डाइवर्टिकुलम में इन्फेक्शन के कारण पेट में दर्द हो सकता है, इसको डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। एल्डरली लोगों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। पेट के अंदर का कहीं का कोई हर्निया, अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो नाभि के पास या इंग्वाइनल हर्निया, उसके कारण एक्यूट पेन हो सकता है। तो ये एक लिस्ट है जो कॉमन एक्यूट एब्डोमिनल पेन के होते हैं। क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन जिसमें बिना किसी कारण के पेट में दर्द लगातार चल रहा हो, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बीमारी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस आती है, जिसमें पैंक्रियाज के अंदर परमानेंट एक डैमेज हो गया, पैंक्रियाज की नली में पथरियाँ फंसी हैं और इससे बार बार पेट में दर्द होता है। रिकरेंट पेन, यदि हम गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को इग्नोर करें, वो भी बार बार पेन करते हैं, बट ये सडन शार्प सीवियर पेन होता है, और ये रिकरेंट अक्यूट पेन, आंतों की रुकावट में भी बार बार पेन हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक कारण होते हैं जिससे पेट में दर्द हो सकता है, जैसे कि ये अनकॉमन कंडीशंस हैं, जैसे हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का ब्लड में बहुत बढ़ जाना, इससे बार बार पेट में दर्द होना। तो इस चीज़ों से अगर नहीं जानकारी मिल रही हो हिस्ट्री से, तो फिर हम इन चीज़ों पे जाते हैं। जनरल आपने जो हिस्ट्री बताई, एक एग्जामिनेशन एक मोटा मोटा कारण हमें बताता है कि किस कारण से दर्द हो रहा हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी, और किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।